नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो क्लास 7 का आज 7वां एपिसोड लेके हम आए हैं, और पहला चैप्टर आपका पूर्णांक संख्या खत्म हो गया। उसकी रिवीजन भी मैंने करवा दिया। अब दूसरी चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। ये एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस और SPH 30 द्वारा दिया जा रहा है। क्लास 7वां का मैथमेटिक्स चैप्टर 02 आज स्टार्ट होगा, और उसकी पार्ट वन एपिसोड नंबर 7। और ये हिंदी मीडियम में हमारा लक्ष्य कि चाहे वो विद्यार्थी हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करें। तो अब यहाँ पर जो आज जो हम बात करेंगे, वह बात करेंगे भीन। और यहाँ पर दशमलव का बात करेंगे। इंग्लिश में भिन्न को फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, यहां पर फ्रैक्शन एंड और तो है ही, और यहां पर बना है डेसिमल। ये डेसिमल है, यानी आज का टॉपिक भिन्न और दशमलव के बारे में सीखेंगे। तो क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। तो यहां पर क्लियर बात है ना कि भीन के बारे में सीखेंगे, भीन होता क्या है। तो यहां पर अगर भीन के बारे में हम लोग को सीखना है और यहां पर भीन होता क्या है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, और Q≠0 होता है। जहां पर P और Q इंटीजर्स होता है। P और Q क्या होता है? इंटीजर्स होता है। लेकिन यही भिन्न संख्या a/b के फॉर्म में होता है, b≠0 होता है, और a and b होल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? होल नंबर होता है। यानी यहां पर तुम्हारे पास परिमेय संख्या और भिन्न संख्या, आपने समझ लिया। अब यहां पर भिन्न की टाइप है ना, भिन्न का प्रकार। देखो, ये भिन्न का प्रकार, तो भिन्न दो ही टाइप का होगा, एक उचित और दूसरा अनुचित। एक उचित अनुचित, उचित को हम प्रोपर, उचित को हम प्रोपर फ्रैक्शन और इसको हम बोलते हैं इम्प्रोपर। अब देखो अंतर क्या है ना, ये a/b के फॉर्म में होगा, ये भी a/b के फॉर्म में होगा। पता है इसमें a छोटा होगा b से, और इसमें a बड़ा या बराबर होगा क्या? ओ हो, a बड़ा होगा b से, और अगर बराबर हो गया तो इंटीजर्स हो गया। अब
यहां पर एक बात है ना, ये इम्प्रॉपर को दो ढंग से दिखाते हैं। इम्प्रॉपर को कितने ढंग से दिखाते हैं? ये जैसे अगर तुमको 9/2 हो गया ना, तो 9/2 भी लिख सकते हो और 4/1/2 भी लिख सकते हो। बोलो यस या नो। अब इसको हम बोलेंगे मिश्रित। क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या दोनों है, तो उसको हम लोग मिश्रित बोलते हैं। अब देखोगे इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न कैसे लिखते हैं, समतुल्य भिन्न कैसे लिखते हैं। जैसे ये 3/5 है, अब इसको 5 को समतुल्य भिन्न लिखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला में यहाँ 9, यहाँ 15, यहाँ पर 12 और 20, यहाँ पर 15, 25। ये ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। बिल्कुल करने आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए? समतुल्य भिन्न क्यों करते हैं? तो अगर किसी को कंपेयर करना रहेगा, तो जब तक वो समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य भिन्न यानी जब तक उसकी हर हर यानी अंश बटे हर भिन्न का होता है। अंश को नोमिनेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब तक हर बराबर नहीं होगा, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब तक हर बराबर नहीं होगा, हम जोड़ नहीं सकते हैं। जब तक हर बराबर नहीं होगा, हम घटाओ नहीं सकते हैं। यानी समतुल्य भिन्न लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान, क्योंकि जब तक उसको एडिशन करने के लिए आपको सारे के लिए आपको इसकी जरूरत है। तो बात समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया तो अति सुंदर, और नहीं आया तो हम लोग सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? अब यहाँ पर तुम्हारे पास कंपेयर करने की बात अगर हो, तो जैसा आपने कहा कंपेयर करेंगे। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 को मैंने अभी करवा दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? वह क्वेश्चन था राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। तो उसको 5 टाइम्स तक हमने पढ़ दिया। अगला है एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करेंगे। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज व्हाइल सीमा सॉल्व 4/5। अब ये प्रश्न यहाँ पर दो का सकता है। पहला प्रश्न कर सकता है कि कंपेयर करो कौन ज्यादा सॉल्व किया कौन कम सॉल्व किया। तो यहाँ 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम 35 हो गया। अब यहाँ 2/7 है, यहाँ 35 है, तो 7 5 जा 35, 5 2 जा इसका इक्विवेलेंट 10/35 लिखेंगे। यहाँ पर ये 4/5 है और यहाँ पर ये 35 लिखना है, ये 7 और 7 को 28। अब यहाँ पर 28/35 नीचे वाला देखो बराबर हो गया। इसको हम लाइक बोलते हैं, फ्रैक्शनल को इसको क्या बोलते हैं? लाइक। अब तुम बताओ कि 10 बड़ा है कि 28 बड़ा है? तो बड़ा 28 है, यानी ये ज्यादा सॉल्व किया। सीमा ज्यादा सॉल्व किया, रमेश कम सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन में हम बात करते हैं, वह क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास एग्जाम्पल 3 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि समीरा परचेज 3 होल 1/2 kg एप्पल एंड 4/3/4 kg ऑरेंज, यहाँ एप्पल, यहाँ ऑरेंज। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाई हर, कितना लिया? तो यहाँ पर देखो दो टाइप से हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर सिया
और यहाँ हो गले रिया, सियारिया का अलग अलग कंसेप्ट। तो देखो कैसे यहाँ पर दोनों मिलके कितना हो गया, यानी टोटल फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 3/4, तो होल होल को एक साथ जोड़ दिया 7, और यहाँ हाफ है, यहाँ 3/4, तो 7 प्लस यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वावेलेंट होने के लिए यहाँ 4 और 2 दूना 4 और यहाँ पर 3, यानी इसको हम लोग हल करोगे 5/4, इसको मिक्स में लिख दोगे 7 प्लस 1 गुना 1/4 नहीं 8 गुना 1/4, ये तुम्हारे पास हो गया। रिया की अगर हम बात करें तो रिया इसी प्रश्न को सॉल्व करेगा, 3 दूनी 6 1 7 7/2, 4 चौक 16 और 3 19 19/4। अब 2 4 का एलसीएम 4, 7 दूना 14 और 19, यहाँ पर 9 4 13 और 33/4, यानी 8 गुणांक 1/4, दोनों ही आपका सही है। अगला प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गए, एग्जाम्पल नंबर 4। सुमन स्टडी 4 5 गुणांक 2/3 घंटा डेली। सी डिवोटेड 2 गुणांक 4/5 आवर हर टाइम। साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स, हाउ मच टाइम डज सी डिवोटेड अदर सब्जेक्ट, ये पूरा समय पढ़ता है। तो यहां पर भी दो ढंग से बनेगा, एक सिया का मेथड और एक रिया का। तो यहां पर सिया अगर इसको 5 होल 2/3 - 2 होल 4/5 मीन्स होल में होल पहले घटा दे, तो होल में से होल घटा दिया, फिर 3 आ गया प्लस 2/3 - 4/5, 3 का 3 15 एलसीएम, 5 दूना 10 15 4 12 यानी 3 - 2/3 यानी 15 या 45 में से 2 गया 43/3, 15 दूना 30 यानी 13/15, ये हो गया पहला मेथड। इसी को रिया जी पहले मिक्स्ड में कर देगा तो क्या हो जाएगा, 5 15 2 17 17/3, 5 10 14 14/5, या 3 5 का एलसीएम 15 हो गया और 17 25 85, वो घटा रहा था सॉरी, यहां 17 25 85 और 14 3 48 घट के हो गया 40/15 यानी 2 गुणांक 13/15। अब तुम्हारे पास एक्सरसाइज का समय आ गया है और एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन करवाने का मेरा वादा, क्योंकि हमारी ये आदत है कि हम सभी क्वेश्चन को करवा देते हैं। प्रश्नावली, प्रश्नावली एक्सरसाइज माने टू प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन है सॉल्व करने का, 2 होल 3/5
पांच दुनी दस, यानी यहाँ पर 5 एलसीएम, 5 दुनी 10 -3, यानी 7/5। क्वेश्चन नंबर 2, 4 होल 7/8, 8 एलसीएम, 8 चौक 32, 7 39/8। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5, 2/7, 35 एलसीएम, 27 21, 7 5 35, 5 10, यानी 31/35। क्वेश्चन नंबर 4, 9/11, 4/15, 11/15 का एलसीएम 165, और 15/35 से 11 चौक 44, 5 में से 4 गया, 1, 3 में नहीं जाएगा, 13/9/165। क्वेश्चन नंबर 5, 7/10, 2/5, 3/2, एलसीएम 10, यहाँ 7 का 7, 5 दुनी 10, 4 2 5 10, 5 3 15, यानी 15 4 19 7 26/10, यहाँ 6 नंबर, 2 होल 2/3, 3 होल 1/2, 3 6 8, 8/3, 3 6 1 7, 7/2, एलसीएम 6, 8 गुना 16, 2 6 21, 6 1 7, 2 1 3, 37/6, 6 9 1/6। आठ पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 5/8, 17/2, 8 3 24, 5 29/8, एलसीएम 8, 17 6 68, और 8 का 8 29 का 29, यहाँ 8 है, 8 में से 9 गया, नहीं जाएगा, तो 9, यहाँ 5 में से 2 गया, तो 3, 39/8। पूर्णांक है तो पूर्णांक में ही आंसर लिखेंगे, तो 8 चौक 32, 7/8। तो पहला क्वेश्चन आपके हो गए, 7 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर 2/9, 2/3 और 8/21। ऑर्डर में करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले हर सबको बराबर करना पड़ेगा, और हर सबको बराबर करना पड़ता है तो उसे लाइक कहते हैं, यानी 9 3 21, यहां पर तुम्हारे पास जो है 63 के पास बराबर होगा, यानी 63, 9 7 63, तो 7 दुनी 14, यहाँ पर 63, 21 दुनी 42, और यहाँ पर 38 24/63। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना रहा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही या आरोही, तो यहाँ पर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर की डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, तो 2/3 पहले, उसके बाद 8/21, उसके बाद 2/9। इसी ढंग से 5 7 10 का एलसीएम निकाल दोगे, तो 5 7 10 का एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर एलसीएम निकालोगे 70। अब इस 70 पूरा करने के लिए 14 चाहिए, इसको 70 पूरा करने के लिए 10 चाहिए,
और इसको 70 पूरा करने के लिए 7 दहिए 70 और यहाँ 7 दहिए 70, 10 सते 70, तो 10 सते 49, यानी सबसे बड़ा तो ये हो गया, उसके बाद ये, इसके बाद ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको जो है ना ये बात करना है, तो तुम्हारे पास मैजिक स्क्वायर है, यानी 4/11, यहाँ 9/11 और 2/11, यहाँ 3/11 और यहाँ 5/11 और 7/11। अब तुम्हारे पास 8/11 और यहाँ 1/11 और 6/11, तो ये तो है ही मैजिक स्क्वायर में। इसका सम करेंगे तो 4 9 4 13 2 15, 15/11 आएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है क्वेश्चन भी 4 नंबर का रहा, ये रिक्टेंगुलर सीट पेपर में यह 12.1 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, लंबा है, और 10.2/3 चौड़ा है, पेरीमीटर निकालना है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पर हम लोग 2 का 2 रख देंगे, 12 दूना 24 1 25, 25/2 हो गया, 30 30/2 3, ये आ गया 2 का 2 एलसीएम 6। अब यहाँ पर हो गया 25 75 और 32 दूना 64, ये काट दिया इसको 3 बार में, 5 4 9 7 6 13, ये आ गया सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक फिगर है, वो फिगर को तुमको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर अगली पेज में यहाँ पर फिगर है, वह फिगर में एक ट्रायंगल बनी हुई है पहले, और इसी ट्रायंगल पर एक रिक्टेंगल पर रखी गई है ट्रायंगल, ये हो गया, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और यहाँ पर तो ए है, ये बी है। अब देखो तुम्हारे पास ये वाला डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 5/2 सेंटीमीटर, ये वाला है 3 होल 3/5 सेंटीमीटर, और ये वाला है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, और ये 7/6 सेंटीमीटर है। दोनों के पेरीमीटर का कंपेयर करना है, तो पेरीमीटर का अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी पेरीमीटर तो निकाल ही दोगे, इसकी पेरीमीटर निकाल दोगे और दोनों को कंपेयर कर दोगे, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुमको 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, 6 7 8 आप लोग खुद बना लेंगे प्रश्नावली को, तो हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।